नौजवान ने उसके सरापे पर गहरी निगाह डाली। नहीं नहीं तो मुसलमान हो इसीलिए अनाड़ीपन का मुजाहिरा कर रहे हो। खैर मुझसे खौफजदा होने की जरूरत नहीं, मेरा नाम बिरकाई खान है। उसने ढारस बंधाई। शायद तुम ठीक ही कहते हो कि तुमसे खौफजदा होने की जरूरत नहीं, तुम रिवायती मंगोल नहीं दिखाई देते। मतीउद्दीन उसके लहजे से संभल चुका था। वो खुद को आने वाली किसी भी मुसीबत से निमटने के लिए तैयार करने में मसरूफ था। लगता है अब तुम्हारे अजायम जारहियत की तरफ कदम बढ़ाने लगे हैं। बरकाई खान ने उसकी निगाहों में मजाहमत की किरणें देख ली थी। मतीउद्दीन अब कदरे हैरत से उसकी सूरत देखने पर मजबूर हो गया था। तुम क्या चीज हो, दिल की बात आंखों से पढ़ लेते हो? मतीउद्दीन उलझे लहजे में बोला। तुम्हारी बात सुनकर मुझे बेहद खुशी हुई है कि तुमने मेरी सलाहियत के लिए अच्छे अल्फाज का इंतखाब किया है। ये सलाहियत जावेदानी आसमान की बख्शी हुई है, जिस पर कभी कभार मैं खुद भी दंग रह जाता हूँ। क्या तुम मेरे साथ दोस्ती करना पसंद करोगे? बरकाई खान ने मुस्कुराते हुए पूछा। यकीनन, मतीउद्दीन ने उसकी पेशकश का खैर मकदम किया। मुझे तुम्हारी दोस्ती पर नाज होगा कि मैं एक निगाह शनास रफीक के साथ जिंदगी के आइंदा पल बिता सकूँ। बरकाई खान ने उसकी जानिब अपना हाथ बढ़ा दिया। मतीउद्दीन ने उस हाथ को पकड़कर उसे अपनी जानिब खींच कर उसे अपने गले लगा लिया। दोनों की इस अचानक मुलाकात ने उन्हें गहरी दोस्ती के बंधन में बांध के रख दिया। एक ऐसी दोस्ती जिसमें आइंदा आने वाले बरसों में कई लाजवाल मोड़ पे नहा थे। अब तो उसका नाम बता दो, बिरकाई खान ने मुंह बिसोर कर कहा, जिस पर मतीउद्दीन ने जोरदार कहकह लगाया। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ छेड़खानी करते हुए वहां से आगे बढ़ गए। 636 हिजरी के आखिर में फातिमा का मामूजाद भाई जमालुद्दीन अल मराही उसे मिलने दमिश्क आया। वो सुल्तान मिस्र सैफुद्दीन अबू बकर अयूबी अलमुल्कुल आदिल सानी के दरबार में एक मौजूद अहदेदार था। सुल्तानुल मुल्क आदिल सानी अपने बाप अलमुल्कुल कामिल की वफात के बाद 635 हिजरी में सुल्तान मिस्र बना था। उसकी उम्र अभी 13 बरस की थी कि उसे सुल्तान मिस्र बना दिया गया। ये सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के भाई अलमुल्कुल आदिल अव्वल का पोता था। दरबारी उमूर से उसे कोई शुद्ध-बुद्ध नहीं थी। वो सारा दिन मुख्तलिफ अनवा की तफरीहों में मगन रहा करता और उमूर सल्तनत ताबुक दरबारी अहदेदार और उमरा संभालते। जमालुद्दीन अल मराही भी उन्हीं खास अहदेदारों में से एक था। वो दमिश्क के सुल्तान अलमुल्क सौले इस्माइल अयूबी से मिलने आया था। सिफारत से फरागत पाकर उसका दिल फातिमा से मिलने को चाहा तो वो उसके घर चला आया। फातिमा उसकी गैर मुतवक्के आमद पर जहां मुतहय्यर हुई, वहां उसे बेहद खुशी हुई। सारा दिन पुरानी यादों और किस्सों की नजर हो गया। अचानक जमालुद्दीन अलमराही ने अली बिन वरका के बारे में पूछ लिया तो फातिमा ने उसका हुस्न सलूक बयान करना शुरू कर दिया। महमूद बेबरस भी इसी असना में वहां पहुंच गया था। फातिमा ने जब अपना किस्सा खत्म किया तो महमूद बेबरस ने अली बिन वरका की अपने आका बंद कदारी की दास्तान उसके सामने गोशगुजार कर दी। जमालुद्दीन अपने फूफीजाद भाई अली बिन वरका की नाशायस्ता हरकत पर बड़ा मगमूम हुआ। फातिमा ने अपने भाई की नापसंदीदा हरकत पर तासुफ का इजहार किया था। जमालुद्दीन अल मराही महमूद बेबरस में खासी दिलचस्पी ले रहा था। जब उसे ये मालूम हुआ कि महमूद बड़ी महारत से मिस्री अरबी जबान में भी बात कर सकता है, तो उसने फरमाइश की कि वो उसके साथ मिस्री जबान में बात करे। जब महमूद बेबरस ने बातचीत शुरू की तो वो दंग रह गया कि उसके लहजे में जरा भी अजनबीयत मौजूद थी कि उसके लहजे में जरा भी अजनबीयत मौजूद नहीं थी। वो उसकी खूबी से मुतासिर हुए बिना ना रह सका। बातों बातों में मगरिब की नमाज का वक्त हो गया। फातिमा का शौहर अबू मसूद भी लौट आया। महमूद बेबरस नमाज के लिए वहां से उठ गया। फातिमा उन दोनों के लिए खाने का इंतजाम करने में मसरूफ हो गई। अबू मसूद और जमालुद्दीन में हुकूमती उमूर पर बातचीत होती रही। जमालुद्दीन अलमराही ने अगली सुबह वापसी का बताया तो अबू मसूद खासा जज्बेज हुआ। उसका इसरार था कि वो कम अज कम एक हफ्ता तो उनके पास रहता। रात को जमालुद्दीन अलमराही जब अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था तो महमूद बेबरस उसके पास चला आया कि शायद उसे किसी चीज की जरूरत हो या दबवाने की हाजत हो। जमालुद्दीन ने उसे मना करते हुए फातिमा को बुलाने के लिए कहा। महमूद ने फातिमा को जमालुद्दीन का पैगाम दिया तो वो उसके पास चली आई। जमालुद्दीन ने उसे बैठने का इशारा किया। फातिमा ने एक तकिया दीवार के साथ लगाया और उस पर टेक लगाते हुए उसके बिलमुकाबिल बैठ गई। फातिमा बहन, जमालुद्दीन कदरे तवक्कुफ से बोला, मैंने तुम्हारे घर का हाल बगौर देखा है, जो कि तुम्हारी महरूमियों और इफलास की दास्तान चीख चीख कर सुना रहा है। मुझे बेहद अफसोस है कि तुमने ऐसे में कभी अपने इस भाई को याद नहीं किया। जमालुद्दीन, फातिमा उसकी बात पर धीमा सा मुस्कुराई, मैं नहीं समझती कि महरूमियां और इफलास कभी हमारे घर में दाखिल हो पाए हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें बेहतर जिंदगी से नवाजा है। मुझे ऐसी इमारत कभी नहीं चाहिए थी जो मुझे अपने भाई जैसा मगरूर और जालिम बना देती। मेरे पास मोहब्बत, दिल के सुकून और आजजी और इनकिसारी जैसी नेमतें हैं, जिनका अक्सर उमरा के पास फकदान होता है। फातिमा बहन,
जमालुद्दीन बोला, तुम सही कहती हो, मगर दुनिया के कुछ न कुछ लवाजमात भी होते हैं। मुझे तुम्हारे अफकार पर फख्र है, मगर तुमने अपने बाद के लोगों के बारे में भी कुछ सोचा है? क्या मतलब, तुम क्या कहना चाहते हो? फातिमा चौंक पड़ी। मेरा इशारा बेवरस की जानिब है, जमालुद्दीन ने कहा। साफ साफ कहो, मैं कुछ समझी नहीं। फातिमा उसकी बात पर उलझ सी गई। बेबरस की उम्र तकरीबन कितनी होगी? जमालुद्दीन ने एक नया सवाल कर दिया। मेरे ख्याल में वो 17वें बरस में कदम रख चुका है, फातिमा सोचते हुए बोली। तुमने कभी उसके बारे में कुछ सोचा है कि वो आने वाले वक्त में क्या करेगा, उसका जरिया मौश क्या होगा? जमालुद्दीन ने पूछा। फातिमा उसकी बात सुनकर परेशान सी हो गई। इस जानिब मुझे कभी सोचने का ख्याल नहीं आया। मैं अबू मसूद से मशवरा करूंगी कि वो उसे सिफारिश करके दरबार में काम दिलवा दे, फातिमा जैसे खुद से बातें कर रही थी। फातिमा बहन, जमालुद्दीन तेजी से बोला, ये ख्याल दिल से निकाल दो कि अबू मसूद की सिफारिश पर उसे कोई ढंग का काम मिल सकेगा। अगर तुम्हारे शौहर में ऐसी कोई काबिलियत होती तो वो आज तक इस मामूली ओहदे पर ही ना टिका रहता। जमालुद्दीन का लहजा आखिर में कड़वा हो गया था। तुम किसी हद तक सही कहते हो, मगर मैं ऐसे में और क्या सोच सकती हूँ? फातिमा जिद सी हो गई। देखो फातिमा बहन, जमालुद्दीन सीधा होता हुआ बोला, तुम्हारे पास कोई खजाना तो है नहीं कि तुम आने वाले कल में निकाल कर बेबरस के हवाले कर दो कि वो तिजारत कर सके, और ना ही तुम्हारे शौहर के मरासिम की कोई ऐसी नौयत है कि तुम उसे कोई अच्छा ओहदा दिलवा सको। वो यकदम खामोश सा हो गया। तुम बोलते रहो, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ। फातिमा उसकी जानिब गौर से देख रही थी। मेरे पास एक छोटी सी तजवीज है जिसकी बदौलत तुम्हारे बेटे को एक अच्छा और रोशन मुस्तकबिल मयसर आ सकता है, जमालुद्दीन ने कहा। मैं तुम्हारी तजवीज सुनने के लिए बेताबी का मुजाहिरा करूं, या अब तुम जानबूझकर बात में असरारियत पैदा करने पर तुले हो? फातिमा ने उस पर तंज किया। ओ बुरा मत मानना फातिमा बहन, जमालुद्दीन खिसियाना होकर दांत निकालने लगा। सुल्तानों के दरबार में रहकर कुछ ऐसी आदत पड़ गई है कि बात करते में दाएं बाएं बहक जाता हूँ। तमहीद बांधना वहां तो मजबूरी होती है, मगर आम जिंदगी में भी इसकी आदत पड़ गई है। हाँ तो मैं कह रहा था कि मेरे पास एक तजवीज है, अगर बेबरस को मेरे साथ मिस्र भेज दो तो मैं इसे अपने दरबार में किसी अच्छे ओहदे पर पहुंचा सकता हूँ। मैंने इसमें एक उम्दा सलाहियत देखी है जो कि इसे एक दिन किसी अच्छे मकाम पर पहुंचा देगी। ये सुनकर जैसे फातिमा के दिल पर चोट लगी। मगर ये कैसे हो सकता है, मैं उसके बगैर रहने का अब तसव्वुर भी नहीं कर सकती। फातिमा उसकी बात सुनकर मजीद परेशान हो गई। देखो बहन, जमालुद्दीन समझाते हुए बोला, बच्चों के आला और रोशन मुस्तकबिल के बारे में वालदैन उस वक्त से सोचना शुरू कर देते हैं जब वो उनकी गोद में गुलकारियां मारते हैं। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब वालदैन को बच्चों की अमली जिंदगी के मैदान में उतरना पड़ता है, तो उस वक्त वो फराख दिली का मुजाहिरा करते हुए उन्हें मुआवनत देते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं। मैं समझता हूँ बेबरस की अमली जिंदगी का वक्त अब शुरू हो चुका है, तो मैं इसे घर में बिठाकर निखट्टू बनाने की बजाय किसी काम धंधे में लगाकर इसे अजनबियों के दरमियान तन्हा भेज देना चाहिए, ताकि वो अपने किरदार की तामीर कर सके, अपने मुस्तकबिल की अहमियत से आगाह हो जाए और कोई हदफ मुकर्रर करके उसकी जानिब बढ़ना शुरू कर दे। अगर तुमसे उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती तो तुम भी उसके हमरा मिस्र चली चलो, अपने बेटे को अपनी निगाहों के सामने रखो और उसकी तरक्की अपनी आंखों से देखो। मिस्र नहीं, नहीं, फातिमा यकलख्त घबरा गई। मैं दमिश्क से बाहर नहीं जा पाऊंगी, तुम तो जानते हो मैं यहाँ इसी घर में पली बढ़ी, जवान हुई, फिर एक दिन ब्याह के मैके चली गई। मैके वालों ने जब घर बदर किया तो मैंने दोबारा इसी घर में आकर पना ली थी। इसी घर में मेरी आंखों के सामने मेरे वालिदैन गुजर गए और उनके बाद मैंने जवानी से बुढ़ापे तक का सफर यहीं तय किया। अब मैं आखिरी उम्र में मिस्र चली जाऊं, ये मुझसे कभी नहीं होगा। तुम्हें अपने बेटे की जिंदगी बनाने के लिए यह कुर्बानी तो देना होगी, जमालुद्दीन बोला। तुम अगर कुछ कर सकते हो तो यहीं कर दो, तुम सुल्ताने दमिश्क से सिफारिश करके बेबरस को कोई ओहदा दिलवा दो। फातिमा का लहजा रुंध सा गया। फातिमा बहन, जमालुद्दीन फैसला कुन लहजे में बोला, दमिश्क में किसी सिफारिश की मैं तुम्हें कोई तिफल तसल्ली नहीं दूंगा, मैं यहाँ महज हुकूमती काम के सिलसिले में आया हूँ। दरबार तक रसाई तो जरूर है, मगर यहाँ मेरी सिफारिश की कोई हैसियत नहीं, अलबत्ता मिस्र में जो चाहूंगा कर सकूंगा। ठीक है, तुम्हारा बेहद शुक्रिया कि तुमने मेरी तवज्जो एक जरूरी मामले की जानिब मबजूल कराई जिससे मैं बेखबर थी। मैं खुद ही कोई तदबीर कर लूंगी, शायद कोई सबील निकल आए, फातिमा ने जवाब दिया। जमालुद्दीन उसकी बात सुनकर खामोश हो गया। इसी असना में अबू मसूद भी वहां आ गया, वो किसी काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। जमालुद्दीन ने बात को खत्म करने की बजाय मजीद बढ़ा दिया। काफी देर तक उन तीनों में गर्मा गर्म बहस जारी रही। अबू मसूद ने फातिमा को समझाया कि जमालुद्दीन का मौकिफ दुरुस्त है, दमिश्क की बजाय मिस्र में बेबरस को अच्छे मौके मिल सकेंगे। बातों बातों में तहज्जुद का वक्त हो गया। अबू मसूद ने सुबह दरबार हाजिरी का उज्र पेश करते हुए वहां से रुखसत ली। फातिमा भी जमालुद्दीन को वहां तन्हा छोड़कर उठ गई ताकि वो कुछ देर सो सके।
फातिमा मेहमान खाने से उठकर अपने कमरे में चली आई। यहाँ भी कुछ देर अबू मसूद ने उसे समझाने की कोशिश की, मगर वो बेबरस को खुद से जुदा करने पर आमादा नहीं थी। काफी देर तक उन दोनों में हीलो हुज्जत चलती रही। बिलाखिर फातिमा ने फैसला कर लिया कि उसे बेबरस के रोशन मुस्तकबिल के लिए आरजी जुदाई का सदमा बर्दाश्त कर लेना चाहिए। वक्त गुजरने के साथ साथ मुतीउद्दीन और मंगोल नौजवान बिरकाई खान में कुर्बत बढ़ती चली गई। बिरकाई खान बिला रोक टोक उसके घर आने जाने लगा। वो दोनों एक दूसरे के बगैर खुद को अधूरा महसूस किया करते। उम्र रसीदा नूरुद्दीन को उन दोनों की दोस्ती पर बड़ा नाज था। मुतीउद्दीन से बिरकाई खान ने कई बार पूछा कि वो किस हसीना के पीछे दीवाना हुआ फिरता है, मगर मुतीउद्दीन लाशौरी तौर पर उसे कुछ बताने से गुरेज करता रहा। बिरकाई खान ने कभी भी उस पर दबाव नहीं डाला और ना ही इसरार किया कि वो उसे इस बारे में सही बताए। हालांकि जिस घर में वो कूदा था उसके बारे में मालूमात हासिल कर लेना कोई मुश्किल काम नहीं था। वो दोनों अक्सर रीछ और भेड़ियों के शिकार पर दरियाए वालगा के मुलहका जंगलों में चले जाते थे। ये बर्फ का जंगल कहलाता था क्योंकि यहाँ के दरख्त हमेशा बर्फ से लदे रहते। बर्फ में सफेद रीछ और सफेद भेड़ियों को ढूंढता और फिर उन्हें अपने नुकीले नेजे का निशाना बनाना बड़ा दुश्वार काम समझा जाता था। मंगोलों के लिए ये काम आम सी बात थी। उनके बच्चे इब्तदाई उम्र में ही इस काम की तरबियत पाते थे। बिरकाई खान की उकाब जैसी निगाहों से जानवर भी पना मांगते थे। मतीउद्दीन उसकी सलाहियत की अक्सर दाद दिए बगैर रह न पाता। हस्ब आदत वो आज फिर शिकार की नीयत से अलसुब घर से रवाना हुए। बिरकाई खान वालगा के जंगल से उकताहट महसूस कर रहा था। उसने जिद की कि वो सरकैशी पहाड़ों पर चलेंगे जहां दूसरे कई खूंखार जानवर मौजूद होते हैं। मुतीउद्दीन ने पहले पहल तो इनकार किया, मगर वो उसकी जिद के सामने ज्यादा देर जम ना सका। उसे सरकैशी पहाड़ी पर चलना ही पड़ा। ये दरियाए वालगा के जंगल से करीबन 100 कोस दूर थी। वहां तक पहुंचने के लिए कम अज कम निसफ दिन खर्च हो जाता था, जबकि पहाड़ी पर चढ़ाई बाकी निसफ दिन हड़प कर जाती थी। बड़े मुश्किल हालात में ही मंगोल इधर का रुख किया करते थे जब वालगा के जंगल में शिकार खत्म हो जाता। अलबत्ता मंगोलों का एक कबीला इस पहाड़ी पर हर हफ्ते रवाना होता था। ये मंगोल समनाई कहलाते थे। इनका जरिया मुआश ही रीछ और भेड़िये थे। वो इनको शिकार करने के बाद उनकी खालें बड़ी नफासत से उतार लिया करते और उन्हें सराय लाकर मुनासिब दामों में फरोख्त कर देते। इन्हीं लोगों से मंगोल ताजिर खालें खरीद कर दूसरे शहरों में जाते थे। समनाई कबीले के बारे में मशहूर था कि उनका शिकार छुपने की कोशिश करे तो वो अपने मुखालिफ को न सिर्फ जान से मार देते थे बल्कि उसकी खाल उतार कर अपने जूते बनवाया करते। वो इसी बारे में बड़ी मुसर्रत से बताते कि इंसानी खाल के जूते हर किस्म की सर्दी को जायल कर देते हैं। सरकेशी पहाड़ी के अलावा दूसरे कई पहाड़ी इलाकों पर उनके मस्कन थे। शदीद तरीन सर्दी में रहना बड़ी हिम्मत की बात थी। वो शहरों की जिंदगी को अय्याशी कहा करते थे। बिरकाई खान ने चलते वक्त जब समनाई कबीले के बारे में मुतीउद्दीन को बताया तो जहां उसे उनकी दुश्वार तरीन जिंदगी पर हैरत हुई, वहीं उनका तर्ज अमल जानकर उनके बदन में खौफ की एक लहर दौड़ गई। उन्होंने छोटे कद के घोड़े हमरा लिए और अपनी मंजिल की जानिब बढ़ने लगे। ये घोड़े लंबे लंबे बालों के बायस अरबी घोड़ों से मुख्तलिफ होते हैं। इनके जिस्म पर कुदरती तौर पर इजाफी चर्बी चढ़ी होती है और इनकी टांगे लंबे लंबे बालों से ढकी रहती हैं, जिसके बायस वो शदीद तरीन सर्दी को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं। इन्हीं घोड़ों की पुश्त पर बैठकर चंगेज खान ने सल्तनत ख्वारज़्म रौंद डाली थी। तीनों घोड़े बर्फ के मैदान में अपने सुम धसाते हुए सरकेशी पहाड़ी की जानिब बढ़ते रहे। दोपहर ढलने तक वो सरकेशी पहाड़ी के दामन में पहुंच गए थे। मुतीउद्दीन ने सर उठाकर अकब में देखा तो उसे बर्फ के तवील मैदान के सिवा और कुछ दिखाई नहीं दिया। सूरज आसमान पर मौजूद तो था, मगर उसकी बेरौनक हल्की धूप बर्फ का भी कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी। अलबत्ता बर्फ के मैदान पर धूप तिलाई रंगत बखेर कर इसे जरूर दिलकश बना रही थी। कहीं कहीं ऊंचे दरख्त भी दिखाई देते जो बर्फ से ढके पड़े थे और धूप की मुलम्मा साजी का लाजवाब शाहकार बने हुए थे। ऐसे मनाजिर मुतीउद्दीन ने महज सुन रखे थे। उसे उन्हें खुली आंखों से देखने का मौका नहीं मिल पाया था। आज वो कुदरत के उन हसीनो लतीफ नजारों से महजूज भी हो रहा था। उसे भी कभी कभार ये दुनिया जमीन पर नहीं आसमान पर महसूस होती। बिरकाई खान उसके चेहरे पर एक आध नजर डालता और उसे मसहूर पाकर जेरे लब मुस्कुरा देता। जब बिरकाई खान ने उसे बताया कि अब पहाड़ी पर चढ़ने का सिलसिला शुरू होने वाला है तो मुतीउद्दीन कोहकाफ के तखय्युल से निकलकर मोहतात हो गया। उन्होंने अपने तीनों घोड़ों को तरतीब से कतार में चलाना शुरू कर दिया। वादी का सफर तो उन्होंने घोड़ों की पीठ पर तय किया था, मगर चढ़ाई में उन्हें पैदल चलना था। अक्सर रास्ते बेहद दुश्वार और गैर मुतवाजन थे, जिनसे फिसल जाने का खतरा था।
बिरकाई खान ने इसे खुसूसी तौर पर इन राहों के बारे में कबल अज़ वक्त आगाही देना मुनासिब समझी। जो ही ऐसा कोई रास्ता करीब होता तो वो खबरदार कर देता। उसने साफ अल्फाज में मुतनब्बे कर दिया कि यहाँ से गुजरने वाले की लाश तक नहीं मिल पाती। इन रास्तों के हमराह कई गहरी खाइयां मुंह खोले उन्हें अपनी जानिब खींच रही थी। वो दोनों मुसलसल मुसाफत के बाद सूरज ढलने से पहले ही अपनी मुकर्ररा जगह पर पहुंच गए। यहीं उन्होंने अपने खेमे लगाना थे। रात बसर करने के बाद अगली सुबह वो जानवरों के शिकार पर निकल पड़ते। बिरकाई खान ने तीसरे घोड़े की पीठ पर रखे हुए बड़े थैले को उतारा और उसमें से एक बड़ा खेमा निकाला जो सुनहरी रंगत का था। दोनों दोस्त मिलकर खेमे को बर्फ में गाड़ने लगे। मुतियुद्दीन ने दिन भर की मुसाफत के दौरान थकन महसूस न की। खैमे लगते ही भूख और थकान दोनों उस पर हमलावर हो गईं। उसने भूख की शिद्दत का जिक्र जब बिरकाई खान से किया तो उसने कहकह लगाकर खाने पीने का सामान निकाला और फिर दोनों अपने खैमों के दामन में खाना खाने लगे। खाने से फरागत पाते ही मुतियुद्दीन एक बिस्तर पर दराज हो गया। उसकी आंखों में नींद का खुमार दिखाई देने लगा। बिरकाई खान उसे यूं ही छोड़कर खैमे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर गुजर गई तो मुतियुद्दीन को इसका ख्याल आया कि बिरकाई खान कहाँ चला गया है। इस ख्याल के कौनते ही उसकी नींद काफूर हो गई। उसने बिस्तर छोड़ा और बाहर निकल आया। रात हो चुकी थी और हर सू चांद की मध्यम सी चांदनी फैली हुई थी। उसने चारों जानिब निगाह दौड़ाई मगर बिरकाई खान का दूर तक पता नहीं था। तीनों घोड़े अपनी जगह बंधे थे। मुतियुद्दीन कुछ फासले तक चारों जानिब उसे तलाश करता रहा मगर वो यूं गायब हो चुका था जैसे गधे के सर से सींग। जाने क्यों मुतियुद्दीन को खौफ सा महसूस होने लगा। वो सर्दी से कांपता हुआ वापस अपने खेमे पर लौट आया। शदीद सर्दी के आलम में वो खेमे के अंदर बैठने की बजाय बाहर बैठा बिरकाई खान की राह तक रहा था। अगली सुबह जब जमालुद्दीन को अबू मसूद ने बताया कि वो फातिमा को राजी कर चुका है तो कामयाबी की मसर्रत से उसका चेहरा दमक उठा। फातिमा ने आंसुओं के जलों में बैबरस को तैयार किया और उसे मिस्र रवानगी की खबर दी। बैबरस इस फौरी फैसले पर शशदर रह गया। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि उसे अगली सुबह जमालुद्दीन के साथ ही रुखसत होना पड़ेगा। फातिमा ने उसे जी भर के प्यार किया और नरमी से समझाया कि उसे एक जगह ठहर कर जिंदगी को मुंजमिद नहीं करना चाहिए बल्कि किसी अच्छे मकाम की जानिब कदम बढ़ाते रहना चाहिए। ये दूरी महज आरजी होगी। जब वो किसी मकाम तक पहुँच गया तो वो खुद उसके पास चल के आएगी। बैबरस का दिल बेहद मगमूम था। वो किसी भी सूरत में माँ जैसी शफीक मालिकन से जुदा होने का तसव्वुर नहीं कर सकता था। उसने पहले तो मिस्र जाने से साफ इनकार कर दिया कि वो उसे तनहा छोड़कर कहीं नहीं जाएगा मगर फातिमा अपने दिल को थामे उसे समझाती रही। बैबरस को मिस्र भेजने उसका मन भी राजी नहीं था मगर वो अपने शौहर से वादा कर चुकी थी कि वो हर कीमत पर बैबरस को मिस्र भेजेगी ताकि उसका मुस्तकबिल अंधेरों से निकलकर ताबनाकी की जानिब रवा हो। सुबह के पहले पहर बैबरस का जरूरी सामान बांधकर उसे रवाना कर दिया गया। चलते वक्त फातिमा ने बैबरस को हुक्म दिया था कि वो जमालुद्दीन के साथ खुशखुल्की से पेश आए और उसकी हुक्म उदूली का मुर्तकिब ना हो। फातिमा और अबू मसूद दोनों उसे काफिले में सवार कराने साथ आए थे। जब तक काफिला रवाना नहीं हो गया फातिमा बैबरस को पंदो नसाए करती रही। जब काफिला रवाना हुआ तो फातिमा की आंखें छलक पड़ी। उसने तेजी से दूसरी जानिब मुंह फेर लिया कहीं उसके आंसू बैबरस की राह में रुकावट न बन जाए। जमालुद्दीन ने हाथ हिलाकर उसे खुदा हाफिज कहा। बैबरस गर्दन मोड़े उन दोनों की जानिब हसरत से देखता रहा। वो कैसे आका थे जिन्होंने उसकी गुलामी को फरजंदी में बदल डाला और उसके दामन में इतनी खुशियां भर दी कि वो साबिका तलखी और कड़वाहट को भूल गया। आज उन्होंने बैबरस के रोशन मुस्तकबिल के लिए खुद को तन्हा कर लेना गवारा कर लिया था। काफिला कई दिन की मसाफत तय करके मिस्र के दारुल खिलाफे काहिरा जा पहुंचा। जब बैबरस को काहिरा की फसील दिखाई दी तो उसकी निगाह के सामने बंद कदारी का चेहरा घूम गया। वो उसके हमरा कई बार इस शहर आ चुका था मगर आज वो यहाँ बंद कदारी के बगैर आया था। एक ऐसे अजनबी के साथ जो महज चंद दिन पहले ही उसकी जिंदगी में दाखिल हुआ था और उसने आते ही बैबरस की दुनिया बदल डाली थी। कैचाक से शुरू होने वाला सफर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कोकेशिया, बल्ख, दमिश्क, हम्मात और अब काहिरा। बैबरस सब्र व तहम्मुल से जमालुद्दीन के साथ रहा। जमालुद्दीन ने चंद दिन तक उसे अपने पास रखा। बैबरस के मुशाहिदे में एक बात आई थी कि जमालुद्दीन में इमारत का तकब्बुर जहां था वहीं उसका सलूक उसके साथ मुनासिब नहीं था। वो उसे फातिमा का बेटा नहीं बल्कि गुलाम समझता था। तौके गुलामी उसके गले से उतरने के बाद दोबारा अपना हलका तंग कर रहा था। बैबरस ने एक दिन जमालुद्दीन से बात करने की कोशिश की। जमाल मामू, बैबरस ने उसकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल की, क्या बात है? मैं चंद दिन से महसूस कर रहा हूँ कि आप मुझे जानबूझकर नजरअंदाज कर जाते हैं। क्या मुझसे कोई खता सरजद हो गई है? जमालुद्दीन ने
उसकी जानिब गौर से देखा और इस्तहज़ाइया लहजे में बोला। बेबरस को उसके लहजे में दुरुस्ती महसूस हुई। गुलाम किसी की मजबूरी और बेबसी का फायदा उठाकर उसकी निगाह में हर दिल अजीज तो बन जाता है, मगर उसे अपनी हैसियत को हमेशा याद रखना चाहिए।